कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलिसिया संत हिलरी का पर्व मनाती है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। वे एक राजकीय परिवार से थे। संत हिलरी हर प्रकार के ज्ञान में निपुण थे, परंतु उन्हें पूर्णता तक पहुंचना था और वे ईश्वर की खोज में लग गए। तब उन्होंने पवित्र बाइबल को पढ़ना प्रारंभ किया और तब से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सच्चाई को जान लिया और प्रभु की रोशनी को पहचान लिया। उन्होंने अपना जीवन विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण बातों को लिखते हुए बिताया और प्रभु के वचनों को न केवल अपने लेखों द्वारा परंतु मुख से भी प्रभु के वचनों का प्रचार किया। 350 में पोइट्रिस का उन्हें धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने उस समय की जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसका खंडन किया, क्योंकि उन लोगों की मान्यता थी कि प्रभु में दिव्यता नहीं है। इन सभी बेबुनियादी बातों का खंडन संत हिलरी ने किया और उन्होंने विशेष रूप से कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु के विश्वास को मजबूत करने के लिए कई लेखों को लिखा और कलीसिया को मजबूत बनाया और उन सभी बातों का खंडन किया जो कलीसिया के लिए सही नहीं है। उस समय राजा कॉन्स्टेंटियस ने ख्रिस्तियों पर अत्याचार किया और कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया। उस समय संत हिलरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। जेल में रहते हुए उन्होंने विशेष रूप से ग्रीक फादर्स के बारे में पढ़ा और पवित्र तीर्थ के ऊपर एक पुस्तक लिखी जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई और लोगों के विश्वास को बढ़ाने में एक सहारा बनी। उनकी मृत्यु 367 या 368 में हुई। संतपिता पीयूष 90 ने उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि से सम्मानित किया। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी विशेष रूप से कलीसिया को मजबूत करने के लिए कार्य करें और प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम लोगों का जीवन बदल सके, उन्हें नई प्रेरणा तथा शक्ति दे सकें।